तो देखिए दोस्तों, सीआईपी के मैं अभी ऑफिशियल साइट पे हूँ और यहाँ पे देखिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये देखिए लास्ट जो है आपका 7 तारीख वाला ही आया था, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे वार्ड अटेंडेंट में फिजिकल में, ठीक है। अब देखते हैं तो यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इन्होंने बोला था कि हम भाई आइए मैं सबूत के साथ बात करूँगा, ऐसा ही बात नहीं करूँगा। ये देखिए इनका जो आया था नोटिस 28 तारीख को, 28/10 को इन्होंने बोला था कि हम जो है अपना एग्जाम सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में ले लेंगे। यहाँ पे लिखा है ना सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, ठीक है। और ये देखिए एग्जाम नहीं लेंगे, मतलब कि बोला था कि एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। देखिए एक मिनट, इसको मैं थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। ई एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर द पोस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क, लाइब्रेरी क्लर्क, नीडल वुमेन एंड वार्ड अटेंडेंट, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि विल बी इशू इन द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। और यार सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर पार हो गया, मैं आपको बोल बोल के रहा कि आ जाएगा, अब नहीं आया। दोस्तों मैंने बोल दिया था कि अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो मैं अब क्लासे नहीं लूँगा, क्योंकि यार अंधेरी नगरी में तीर मारने जैसा है, कोई सिलेबस मालूम नहीं है। केवल बोल दिया है कि 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, क्या पूछेगा क्या नहीं। तो अंधेरी नगरी में तीर मारने से अच्छा है कि आप एडमिट कार्ड आने ही दीजिए जाए, देखा जाए कि उसमें क्या पूछा जाएगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके बाद मैं प्रिपेयरिंग कराना शुरू कर दूंगा, भले सिलेबस पता चले या ना चले, लेकिन एडमिट कार्ड अब आना ही पड़ेगा, उसके बाद ही मैं क्लास शुरू करूँगा। क्योंकि अब झूठ मूठ का मालूम नहीं कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं, क्योंकि वो झारखंड की, भले ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है लेकिन झारखंड राज्य में है, और झारखंड राज्य मुझे कहते हुए भी शर्म आ रहा है कि यह एक पड़ोसी राज्य है। यार बोलते हैं ना कि अक्षय कुमार वाला मूवी उत्तर पड़ोसी उत्तर मूवी तो देखिए ना खट्टा मीठा में, बस उसी तरह से है यार, क्या आप बताऊँ। झारखंड में जितने भी वैकेंसी उन सभी को रद्द कर दिया गया है, ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, फिर भी वहाँ पे लोगों ने हंगामा किया था कि इसको रद्द किया जाए या फिर एक सेकेंड लिस्ट निकाली जाए, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट को बोला गया है कि यहाँ पे करप्शन हुआ है, तो उनके लिए एक अलग से लिस्ट जारी किया जाए, उसमें नए कैंडिडेट को जोड़ा जाए। अब देखा जाए कि क्या होता है, उसके बाद ही अब क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है। तो आप सभी का क्या राय है बताइएगा, हम देखते हैं कि आप लोग का रिस्पॉन्स कैसा रहता है, उसके बाद क्लास को शुरू किया जाएगा या फिर ऑफ ही रहेगा, तो वो डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। ईमेल में बोल दिया था कि ये अपने बार बार ईमेल चेक करते रहे, लेकिन यहाँ पे ईमेल पर भी कोई भी नोटिस नहीं आया है, और बोला था कि हमारी साइट को भी देखते रहे, लेकिन देखिए इनके साइट में भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। 7 वाला ही यहाँ पे दिखा रहा है कि 7 तारीख वाला सेलेक्टेड कैंडिडेट है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि इस तरह की अवहेलना सरकारी नौकरियों में बार बार होती है यार, और इसलिए मैं बोला करता हूँ कि केवल सरकारी नौकरी के भरोसे मत रहा कीजिए अगर आपकी एज है तो, ठीक है। काफ़ी एज ज़्यादा हो गई है तो प्लीज़ सरकारी नौकरी के, अगर आप 24+ हो गए हैं तो प्लीज़ दोस्त मेरे बात मानिए, 24+ है या फिर 21+ है ना, तो प्लीज़ आप कोई काम पकड़ लीजिए प्राइवेट, केवल सरकारी नौकरी के भरोसे मत रहिए। हो सकता है लगे ना भी लगे, यार मैं मालूम है डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक बहुत सारे वैकेंसियों में अनसिलेक्टेड ही हुआ हूँ, केवल एक नौकरी पे सिलेक्ट हुआ था, ठीक है, उस पर एयरफोर्स था, और यार बाद बाकी अभी जितने भी एक वैकेंसीज हैं उन सभी में अनसिलेक्टेड हूँ, जबकि मैं खुद अपने कॉलेज टॉपर हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर हूँ, कुछ मार्क्स के चलते मैं स्टेट टॉपर से भी पीछे लग गया था। यार इसलिए बताता हूँ दोस्त, पढ़ने लिखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है हमारे देश में जो बेरोजगार हैं, तो प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर लीजिए, मैं भी अभी प्राइवेट में ही काम कर रहा हूँ, और ठीक है ज्वाइन कर लीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा। और एग्ज़ाम का न्यूज आता है तो मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, एंड क्लास को लेकर के क्या रिस्पॉन्स है वो बता दीजिएगा वीडियो के कमेंट में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।